विद्यार्थियों सुप्रभात। एक बार फिर से मैं हंसराज वर्मा श्री महावीर शिक्षण संस्थान की किशनगढ़ रेनवाल की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। एवं मैं हिंदी विषय अध्यापक वीडियो नंबर 4 के साथ, यानी कि अपना पार्ट नंबर चलेगा 4, और जो क्रिया चल रही थी, क्रिया के 3 भेद अपने हो चुके, क्रिया के 3 जो पार्ट थे वो इससे पहले तक के वीडियो में आपके पास आ चुके होंगे, और ये चौथा पार्ट है जो मैं लेके आ रहा हूँ आज। इस जो ये ऑनलाइन कक्षाएं चलाई जा रही है विद्यालय के द्वारा, ये इस कोरोना काल यानी कि इस महामारी की घड़ी में बहुत ही सावधानी के साथ, और मतलब आपके भविष्य को नज़र में रखते हुए या भविष्य पर ध्यान देते हुए ये चलाई जा रही है विद्यालय के द्वारा, एक बहुत ही अच्छी पहल है, अच्छी सौगात है। मैं अभिनंदन करता हूँ हमारे विद्यालय के जो डायरेक्टर महोदय हैं श्रीमान भीमाराम जीवोकर, उनको भी, उनके लिए भी सराहना कि उन्होंने इस दौर में भी ये जो वीडियोज़ हैं विद्यार्थियों के लिए इसकी सुविधा कर रखी है, जिससे विद्यार्थी हैं वो अपने इस विषय से जुड़े रहें, यानी कि विद्यार्थियों का जो विषय है पढ़ाई उससे जुड़े रहें। और आप सब कुशल मंगल होंगे। इसी के साथ अपन शुरू करते हैं अपना नया अपना टॉपिक है जो क्रिया। देखो विद्यार्थियों, क्रिया थी, उसकी परिभाषा अपन ने पढ़ी थी पहले वीडियो में, परिभाषा पढ़ी थी, उसके भेद पढ़े थे। तो उसके भेदों में दो चर्चाएं अपन ने की थी, एक कर्म के आधार पर क्रिया और एक दूसरा यह है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको पहले ले जा रहा हूँ, पीछे की ओर ले जा रहा हूँ कि उसमें था कर्म के आधार पर, ठीक है, इसे लिखना मत, यह आपके पास पहले वीडियो में लिखा हुआ है, इसे लिखना मत। कर्म, क्रिया की बात आती है, कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं जो अपन ने पढ़ ली थी, उसके दोबारा विस्तार से यहाँ पर, क्योंकि फिर ये ज़्यादा लंबा हो जाता है, ठीक है। तो उसके कर्म के आधार पर उसके दो भेद होते हैं, और फिर बाद में जो दूसरा भेद था ये अपन ने सब पढ़ लिया था, दूसरा भेद है प्रयोग, रचना एवं अन्य आधार पर क्रिया भेद। प्रयोग रचना, प्रयोग के आधार पर, रचना के आधार पर एवं अन्य आधार पर क्रिया भेद, और इसके बारे में अपन जानेंगे। इस आधार पर क्रिया के निम्नलिखित भेद होते हैं। इस आधार पर कहने का मतलब है कि जो पहले पढ़ा अपन ने वो कर्म के आधार पर हो गई थी। क्रिया दो प्रकार की होती है, एक कर्म के आधार पर आती है, एक प्रयोग रचना एवं अन्य आधार पर आ जाती है। तो इसमें विद्यार्थियों देखिए, प्रयोग रचना एवं अन्य आधार पर जो क्रिया का जो भेद है, इस आधार पर क्रिया के निम्नलिखित भेद होते हैं। जो पहला है मैं बता रहा हूँ आपको, संयुक्त क्रिया, पहला कौन सा है, संयुक्त क्रिया। दूसरा है समापिका क्रिया, समापिका क्रिया। और तीसरा है असमापिका क्रिया। तीन हो गए ना, पहला संयुक्त क्रिया है, दूसरा है समापिका क्रिया, तीसरा असमापिका क्रिया, और चौथा है प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। इसके बाद में पांचवा इसका जो भेद आता है, पूर्वकालिक क्रिया। यहां तक कि आपको समझना है, अपने परीक्षा की दृष्टि से भी यह महत्वपूर्ण है, और जब आप यहां तक पढ़ लोगे तो क्रिया के बारे में आपको अधिक से अधिक जितनी अपने हो सके, अपने सिलेबस में है, अपने पाठ्यक्रम में है, कक्षा 9 और 10 के लिए, दोनों के लिए ये महत्वपूर्ण बिंदु है क्रिया, और इसको बड़े ही ध्यान से अपने को आपको समझना है। जो पिछली वीडियोज आपके पास आ चुकी है उनको भी ध्यान से पढ़ते चलिए, उनके आप एक नोट्स की कॉपी बना लीजिए, उसमें लिख लीजिए, और बार बार आप उनको याद करते जाइए, ठीक है। पांचों क्रिया यानी कि अपन बात करते हैं विद्यार्थियों कि प्रयोग, रचना एवं अन्य आधार पर क्रिया के जो भेद होते हैं
वो भेद होते हैं पांच, और इस आधार पर निम्नलिखित भेद माने जाते हैं, पांच भेद माने जाते हैं। सबसे पहला कौन सा है? संयुक्त क्रिया। फिर दूसरा कौन सा है? समापिका क्रिया। फिर तीसरा कौन सा है? असमापिका क्रिया। फिर चौथा है प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। याद रखना विद्यार्थियों, मैंने आपको जो पहला वीडियो बताया था, अपना जो पहला वीडियो था, उस पहले वीडियो में ही भी मैंने इनका जिक्र किया था कि अगर अपन आगे पढ़ेंगे क्रिया की, जिसमें परिभाषा बता रहा था उसमें मैंने बताया था कि अगला जो पार्ट होगा अपना, यानी कि आगे के पार्ट में हम उसके भेदों के बारे में भी जानकारी करेंगे कि संयोजक क्रियाएं, रंजक क्रियाएं ये भी आने वाली है आगे। तो संयुक्त क्रिया, समापिका क्रिया, असमापिका क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया, ये पांच क्रिया जो कि महत्वपूर्ण है ये क्रिया। अब इनको ध्यान से देखिए बेटा, आगे अपन चलते हैं क्रिया में, मैं आगे की ओर ले जा रहा हूँ आपको। यहाँ तक हो गया। सबसे पहला है इसमें संयुक्त क्रिया, जो अपने संयुक्त क्रिया थी वो सबसे पहले आ रही है। तो संयुक्त क्रिया है, संयुक्त क्रिया में देखिए दो या दो से अधिक, अब देखो एक चीज़, दो एक मिनट के लिए परिभाषा आप छोड़ो, संयुक्त जहाँ पर शब्द आ जाता है, संयुक्त शब्द आते ही अपने दिमाग में क्या एक, मतलब एक दिमाग में एक चीज़ घूमती है, या अपने दिमाग में अपन माने कि एक झटका सा लगता है कि संयुक्त आते ही, संयुक्त आ गई, तो संयुक्त आते ही अपने दिमाग में आती है कि वास्तव में संयुक्त का मतलब जुड़ी हुई दो चीज़ें हैं, दो चीज़ें हैं विद्यार्थियों, दो चीज़ें हैं। एक चीज़ को अपन संयुक्त नहीं कर सकते, एक चीज़ तो अकेली ही आएगी, लेकिन संयुक्त होगा वो साथ में होगा, यानी कि जुड़ी हुई होगी, ये ध्यान रखना। तो संयुक्त में देखो, संयुक्त क्रिया में दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक धातुओं के योग से बनने वाली क्रियाएं, दो या दो से अधिक धातुओं के योग से, दो या दो से अधिक धातु होंगी, यानी कि उसमें एक से, सीधी सी बात है, एक से अधिक क्रियाएं होंगी, यानी एक से अधिक क्रिया होगी, एक क्रिया नहीं होगी, एक से अधिक क्रियाएं होंगी। तो यहाँ पर क्या है? धातु, तो धातुओं के योग से बनने वाली क्रियाएं संयुक्त क्रियाएं कहलाती है। दो या दो से अधिक धातुओं के योग से बनने वाली क्रियाएं संयुक्त क्रियाएं कहलाती है। विद्यार्थियों, पहला जो अपना था, पहला भेद है संयुक्त क्रिया, वो अपन इसमें पढ़ रहे हैं, उसकी परिभाषा अपन ने देखी, और परिभाषा बहुत ही सरल परिभाषा, देखो मैंने पहले बता दिया आपको, संयुक्त आते ही क्या होगा कि जुड़ा हुआ है, संयुक्त आते ही ये मान लेना है कि जुड़ा हुआ है, यानी कि जोड़ है इनका, मिला हुआ है, ये एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और वही बात यहाँ पर आ रही है, दो या दो से अधिक धातुओं के योग से बनने वाली क्रियाएं क्या कहलाती है? संयुक्त क्रियाएं कहलाती हैं। दो या दो से योग से, योग का मतलब क्या होता है? योग का मतलब होता है जुड़ना, ये लो ठीक है, योग का मतलब होता है जुड़ना। तो देखिए उदाहरण, अब इसके उदाहरण के द्वारा अपन समझते हैं कि देखो, उसे बच्चा खेलता दिखाई दिया, उसे बच्चा खेलता दिखाई दिया, उसे बच्चा खेलता दिखाई दिया। अब देखो, उसे बच्चा खेलता दिखाई दिया, अब अपन ऐसे लिखें कि वह खेल खेल रहा है, वह खेल खेल रहा है, तो एक खेल तो हो गया कि एक खेल तो क्या हो गया, एक खेल तो हो गया कर्म, और दूसरा खेल हो गया क्रिया। अब इसमें क्या आ रहा है? उसे बच्चा, बच्चा कौन है? उसे, यानी कि वह उसे, दूसरा है और बच्चा, तो बच्चा है, बच्चा करता है, खेलता दिखाई दिया, खेलना यहाँ पर क्या हो रहा है? कर्म हो रहा है, इसलिए इसमें क्या आ गया? दिखाई और दिखाई दिया। तो दोनों देखो अलग अलग क्रिया, दो मतलब दो या दो से अधिक धातुओं से, ये दो या दो से अधिक धातु है, और इनमें ये देखो यहाँ पर दिखाई, एक तो दिखना और एक देना, दिखाई देना, एक तो दिखना और एक देना, दो क्रियाओं के योग से, दो धातुओं के योग से क्रिया बन रही है। तो ये पूरी क्या कहलाएगी? ये पूरी कहलाएगी संयुक्त क्रिया, ये आपके दिमाग में होनी चाहिए। ये यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसको, ये देखो, संयुक्त क्रिया, ठीक है, या आप इसको, ये बीच बीच में लिख रहा हूँ ना, यहाँ पर जगह नहीं है, यहाँ लिखता तो वहाँ से यहाँ, ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आपको नहीं लिखना है, ठीक है। तो ये हो गई यहाँ पर। अब देखो आगे बेटा, वह
वह सवेरे दौड़ लिया करता है, वह सवेरे दौड़ लिया करता है, वह सवेरे दौड़ लिया करता है। अब देखो, लिया करता है, दौड़ लिया करता है, दो धातुओं के योग से बनती है, एक तो कार्य का करना और एक लेना। वह सवेरे सवेरे दौड़ लिया करता है, वह सवेरे सवेरे दौड़ लिया करता है। ठीक है, देखो फिर बाद में है, वे नाश्ता कर चुके हैं, वे नाश्ता कर चुके हैं। नाश्ता क्या है? वे यहाँ पर कर्ता की स्थिति में होंगे, और नाश्ता क्या है? नाश्ता कर्म है, क्योंकि खाने का काम कर रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं तो कर चुके हैं, कर चुके हैं। ये दो धातुएं हैं, एक तो करना कर चुके हैं, कार्य कर चुके हैं, और एक तो करना और एक चुकना, तो कर चुके हैं। इस प्रकार से, यानी कि कहने का मतलब है कि दो धातुओं के योग से जो क्रियाएं बनेगी वह क्या कहलाएगी? संयुक्त क्रियाएं कहलाएगी। यानी कि संयुक्त क्रियाएं, दो या दो से अधिक धातुओं के योग से बनने वाली क्रियाएं संयुक्त क्रियाएं कहलाती है। वर्षा के कारण वह, ये यहाँ पर क्या दिया जा रहा है? यहाँ पर ये कारण दिया जा रहा है, वर्षा के कारण वह बीच रास्ते से, रास्ते में जा रहा था, बीच रास्ते से ही लौट आया, बीच रास्ते से ही लौट आया। तो एक तो लौटना यानी लौटना, और एक आना, लौट कर आना। ठीक है, लौट आया, लौट कर आना, तो वह लौट आया, तो वह बीच रास्ते से ही, वर्षा के कारण वह बीच रास्ते से ही लौट आया। किसी के लिए कहा जा रहा है, कोई जा रहा होगा, रास्ते में जा रहा होगा, और रास्ते में वर्षा आ गई, वर्षा के कारण वह बीच रास्ते से ही लौट आया। तो देखो, पहला उदाहरण हो गया, दूसरा उदाहरण हो गया, तीसरा हो गया, और चौथा हो गया। इस प्रकार चारों उदाहरणों से आपके ये संयुक्त क्रिया है जो समझ में आई होगी, क्योंकि अपन ने पढ़ा है संयुक्त क्रिया। ठीक है, सीधी सी बात है, दो या दो से अधिक धातुओं के योग से बनने वाली क्रियाएं संयुक्त क्रियाएं कहलाती है। और संयुक्त क्रिया है वो मैंने आपको बताई कि दो धातुएं होंगी, दोनों धातुओं को एक जगह कर दो, दिखाई एक जैसी देगी, लेकिन उनमें अपन उनको अलग अलग कर सकते हैं, अलग अलग करके उनको समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। संयुक्त क्रिया के प्रकार देखिए। अब बेटा, इस संयुक्त क्रिया के भी क्या होते हैं? कुछ प्रकार होते हैं, चार प्रकार होते हैं संयुक्त क्रिया के। कौन कौन से? एक तो है मुख्य क्रिया, दूसरा है सहायक क्रिया, तीसरा है संयोजी क्रिया, और चौथा है रंजक क्रिया। इन चारों क्रियाओं के नाम भी, इन चारों में से कम दो तीन के मैंने अपने पहले वीडियो में ही ले लिए थे, यानी कि उनको उनसे आपको रूबरू करवा दिया था कि ये क्रियाएं अपने को आगे पढ़ने को मिलेगी। कौन कौन सी है? जैसे मैंने बताया था आपको, संयोजी क्रियाएँ, रंजक क्रियाएँ हैं, ये प्रेरणार्थक क्रिया जो ऊपर आ चुकी है पहले, तो मुख्य क्रिया है, सहायक क्रिया है, संयोजी क्रिया है, और रंजक क्रियाएँ हैं। तो देखो, आज के इस अपने जो चौथा पार्ट है, इसमें अपन मुख्य क्रिया के बारे में बात करने जा रहे हैं। इससे पहले विद्यार्थियों, मैंने संयुक्त क्रिया के बारे में आपको बता दिया है। देखो, मुख्य क्रिया बेटा, मुख्य क्रिया ये यहाँ संयुक्त क्रिया में, संयुक्त क्रिया में एक क्रिया मुख्य होती है। संयुक्त क्रिया में जो संयुक्त क्रिया है, संयुक्त क्रिया होती है, उसमें एक क्रिया क्या होती है? मुख्य होती है। एक क्रिया मुख्य होती है, वह कर्ता अथवा कर्म के व्यवहार पर दृष्टि रखती है। वह कर्ता अथवा कर्म के, यानी कर्ता और कर्म का व्यवहार कैसा है, उस पर दृष्टि रखती है, मुख्य क्रिया कहलाती है। यानी कि इसमें सीधी सी बात गया, अपन मुख्य क्रिया यानी कि कोई भी अपन कार्य करेंगे उसमें अपने, जैसे मान लीजिए कि मुख्य अतिथि होता है, विशिष्ट अतिथि होता है, उस प्रकार समझ लीजिए, तो उनके आने के बिना वो कार्य क्या होता है? अधूरा सा रहता है, नहीं अधूरा सा रहता है, यानी कि पूरा नहीं हो पाता है। इसी प्रकार से वाक्य की अपन लें तो वाक्य जो संयुक्त क्रिया का जो चार भेद होते हैं, उनमें से पहला जो आपका भेद आ रहा है मुख्य क्रिया, तो उस मुख्य क्रिया में क्या है? मुख्य क्रिया में जो संयुक्त क्रिया में एक क्रिया मुख्य होती है, एक क्रिया मुख्य होती है, वह कर्ता अथवा कर्म के व्यवहार पर दृष्टि रखती है, मुख्य क्रिया कहलाती है। देखो बेटा, इसका उदाहरण देखिए, वह पढ़ लिया करता है, वह पढ़ लिया करता है। अब ये इसमें पढ़ लिया करता है, अब इस क्रिया में, अब एक तो ये है पढ़ ली, वह पढ़ लिया करता है, तो वह
लिया करता है, वह लिया करता है, क्या लिया करता है, अपने कोई जवाब ही नहीं आ रहा है, तो अपन के अपन इसको कह सकते हैं कि वह पढ़ लिया करता है। तो यह क्या हो गई, इसकी जो पढ़ना है जो मुख्य क्रिया है। अब इसके बारे में, अब वह पढ़, वह पढ़ यहाँ तक ही छोड़ देंगे तो वैसे वाक्य वैसे ही अधूरा है, और इसके बिना भी वह लिया करता है, क्या लिया करता है, कोई कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है। तो इसमें है कि जो संयुक्त क्रिया होगी वह क्या, संयुक्त क्रिया दो धातुओं के योग से बनेगी, अर्थात इसमें देखो पढ़ और लिया करता है ये दोनों अलग अलग है, इसलिए यह क्या हो जाएगी यहाँ पर आपकी मुख्य क्रिया हो जाएगी, मुख्य क्रिया हो जाएगी। ठीक है, मुख्य क्रिया ये क्या है, वह अपन कह रहे हैं किसी अन्य के बारे में कि वह पढ़ लिया करता है, तो वह पढ़ लिया करता है, वह पढ़ लिया करता है, पढ़ना उसका क्या हो रहा है, मुख्य कर्म है उसका पढ़ना, वह पढ़ रहा है, पढ़ लिया करता है, तो पढ़ना उसका मुख्य कर्म है, वह क्या कर रहा है, पढ़ना तो उसका कर्म हो गया, और कर्म को करने वाला कौन है, कर्ता कौन है, वह। तो वह व्यक्ति, अब यहाँ पर देखो अपन रख सकते हैं, यहाँ पर कोई भी संज्ञा रख के देख लीजिए, मोहन पढ़ लिया करता है, सोहन पढ़ लिया करता है, रमेश पढ़ लिया करता है, कोई भी, ठीक है ना, वह वह सर्वनाम है, इसलिए इसकी जगह संज्ञा रख के देख लो तो भी वही आएगा। अब इसमें क्या था कि एक क्रिया मुख्य होती है, वह कर्ता और कर्म के व्यवहार पर दृष्टि रखती है, वह कर्ता और कर्म के व्यवहार पर दृष्टि रखती है, यानी कि कर्ता और कर्म के व्यवहार पर उनका व्यवहार कैसा है, यहाँ पर क्या है, कर्ता और कर्म और इनका क्या आ रहा है, व्यवहार, तो उनके व्यवहार पर दृष्टि रखती है, कर्ता अथवा कर्म के व्यवहार पर क्या रखती है, दृष्टि, दृष्टि का मतलब निगाह रखती है कि वो क्या कर रहा है, यानी कि उसका ध्यान रखती है कि कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो वह पढ़ लिया करता है, पढ़ना क्या है, इसमें क्रिया है, पढ़ने का उसका वह मतलब कर्म कर रहा, पढ़ने का उसका कर्म कर रहा है, काम कर रहा है, तो यहाँ इसको अपन वह पढ़ लिया करता है, तो पढ़ना भी एक क्रिया हो गई और ये भी क्रिया हो गई, तो इसको अपन इसको कर्म से जोड़ सकते हैं कि वह पढ़ने उसका काम क्या कर रहा है, वह पढ़ रहा है, पढ़ लिया करता है, तो ये दोनों जो धातुएं हैं वो मिलकर बनेगी, तो इसमें क्या हो जाएगा, संयुक्त क्रिया का उदाहरण हो जाएगा, और संयुक्त क्रिया में भी किसका हो जाएगा, मुख्य क्रिया का उदाहरण है, पढ़ना उसका जो कार्य है वो मुख्य क्रिया के अंतर्गत आ जाएगी, कि वह क्या कर रहा है, वह पढ़ रहा है, पढ़ने का, पढ़ने की क्रिया कर रहा है। अब देखो उसे आने दिया जा सकता है, उसे आने दिया जा सकता है, आने देना, उसे आने देना, आने दिया जा सकता है, एक तो आने क्रिया हो गई, एक तो आने दिया जा सकता है, वह आ रहा है, वह आ रहा है, तो उसे, उसे आने दिया जा सकता है। अब देखो कोई विद्यार्थी जैसे मान लीजिए अपने पास यहाँ आ रहा है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, अब वो बाहर से आ रहा है, तो अंदर बैठे हुए क्या कहेंगे कि उसे आने दो, उसे आने दिया जा सकता है, क्या उसे अंदर आने दिया जा सकता है, क्या आने दिया जा सकता है, तो मैं यहाँ हूँ, अब वो वहाँ से चलकर आ रहा है, कर्म करते ही तो आ रहा है, वो कर्म करते करते तो आ रहा है, पैरों को हिलाते हुए आ रहा है, कर्म करते हुए आ रहा है, तो उसे आने दिया जा सकता है, तो एक तो क्या हो गई, आना, आना क्रिया हो गई, और एक देना, आने दिया जा सकता है, तो ये दोनों क्या हो गई, ये मतलब दो धातुओं के योग से बनने वाली जो क्रियाएं होती है वह संयुक्त क्रियाएं होती है, तो एक तो इसमें आना और एक देना यानी दिया जा सकता है, इसको अपन साथ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लिया करता है, पढ़ना क्रिया हो गई जो मुख्य क्रिया है, यानी कि अपने को सीधी सी बात है कि मुख्य क्रिया का मतलब है कि कर्ता और कर्म के व्यवहार पर दृष्टि रखती है ये, कि वो क्या कार्य कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो उनसे देखो उनके मतलब उन पर नज़र रखती है, उसे आने दिया जा सकता है, तो यहाँ तक ये संयुक्त क्रिया हो गई, यानी कि दो है, एक एक आपकी ये हो जाएगी मुख्य क्रिया है इसमें, तो दो धातुओं के योग से बनने वाले क्रियाओं को क्या कहते हैं अपन, संयुक्त क्रिया कहते हैं, और इसमें वैसे मुख्य क्रिया अपने को पहचाननी है, तो मुख्य क्रिया क्या हो रही है, उसका आने का कार्य हो रहा है। ठीक है, इस प्रकार विद्यार्थियों अपन ने इसमें पढ़ा, ये अपना चौथा वीडियो था, इसमें दूसरे भेद के बारे में अपन ने पढ़ लिया कि प्रयोग व रचना एवं अन्य आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं, वो 5 भेद होते हैं, और बाकी इनमें संयुक्त भेद आपका कंप्लीट हो चुका है। संयुक्त भेद की अपन ने परिभाषा पढ़ ली कि दो धातुओं, संयुक्त जो क्रिया है उसमें दो धातुओं के योग से बनने वाली क्रियाएं संयुक्त क्रियाएं कहलाती हैं, और इस प्रकार से संयुक्त क्रिया के प्रकार भी पढ़ने 4 प्रकार हैं जो आपके सामने हैं, और इनमें से अपन ने एक ये मुख्य क्रिया वाला पढ़ लिया। इससे आगे का जो है, इससे आगे की जो मुख्य क्रिया के बाद में यहाँ पर इस दूसरे भेद से अपन शुरू करेंगे, वो आएगा अपना अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक देखें, और यह आपको अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप विद्यालय के नंबर से जोड़ रखे हैं उन पर मिल जाएगा, और इसके अलावा आपको यूट्यूब चैनल से भी आप इसको देख सकते हैं। धन्यवाद विद्यार्थी।